रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम डॉक्टर असद नकवी, होम्योपैथिक फिजिशियन। डियर व्यूवर्स, आज हमारा जो डिजीज़ टॉपिक है वो है ओटोरिया, यानी कानों का बहना, कानों के अंदर से पस या किसी मवाद का खारिज होना। अक्सर औकात नज़ला ज़ुकाम अगर बिगड़ जाए तो इन्फेक्शन कानों के अंदर पहुँच जाती है। बाज़ औक़ात कानों में फिंसियाँ निकल आती हैं और ज़्यादातर कानों का बहना कान दरमियानी कान के अंदर सोजिश या इन्फ्लामेशन की वजह से कान बहते हैं। दरमियानी कान में जब पस का प्रेशर बढ़ जाए तो पस कान का पर्दा फाड़ कर बहर निकलने लगती है। बहते हुए कान बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल से ठीक होते हैं। पस बहने के अलावा कान भी पेन करने लगते हैं। अगर तकलीफ़ ज़्यादा हो तो साथ साथ में हेडेक यानी सर दर्द भी रहने लगता है और पेशेंट को अमामूली सा यानी हल्का सा फीवर भी रहने लगता है। तो आज मैं इसको अटोरिया यानी कानों के बहने में होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। दो मेडिसिन हैं यानी रेमेडीज़ हैं, इन दोनों को आपने मिक्स करना है और दिन में 3 बार लेना है। इनमें सबसे पहले पल्सटीला 30 पावर में 5 ड्राप सुबह, 5 दोपहर और 5 शाम को। इसके बाद सिलेशिया 6x में। अगर ये टेबलेट फॉर्म में हो तो फिर आपने 3 टेबलेट सुबह, 3 दोपहर और 3 शाम को। अगर ड्राप्स में हो तो फिर 5 ड्राप सुबह, 5 दोपहर और 5 शाम को, दिन में 3 बार। और ये मेडिसिन आपने 3 वीक्स यूज़ करनी है। और अगर इसके बाद भी अलामात बरकरार रहें तो यही मेडिसिन आप 1 वीक या 2 वीक मज़ीद आगे यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अटोरिया यानी कानों का बहना, कानों में से पस का आना, इस तरह की जो शिकायत हैं ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और एक और बात मैं आपको याद करवा दूँ या नोट आप कर लें, ये मेडिकेशन जो मैंने अभी आपको एडवाइस किया है एटोरिया के लिए, अगर किसी पेशेंट के फैमिली में ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की हिस्ट्री चली आ रही हो तो ये मेडिसिन आप होम्योपैथिक क्वालिफाइड होम्योपैथी डॉक्टर की एडवाइस से यूज़ करें। ये बात आप नोट रखें कि अगर किसी की फैमिली में कोई ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की हिस्ट्री चली आ रही हो तो ये मेडिसिन आप होम्योपैथिक यानी क्वालिफाइड होम्योपैथी डॉक्टर की एडवाइस लेकर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये मेडिसिन आप यूज़ ना करें। तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि मेरी आज की शेयरिंग आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। नेक्स्ट मिलेंगे हम किसी और डिजीज़ के साथ, किसी और रेमेडी के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।